नमस्कार दोस्तों दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपसे सैनिक स्कूल की सिलेबस के बारे में बात करूंगा कि सैनिक स्कूल में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें किस प्रकार के और कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और आपको परीक्षा को पास करने के लिए क्या क्या कौन सी किताब पढ़नी होगी, कौन से चैप्टर को आपको ज़्यादा अच्छा से पढ़ना होगा, मैं इसके बारे में आपसे पूरे डिटेल में बात करने वाला हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये सारे के सारी जानकारी जिस वेबसाइट से ली है उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अगर आपको भी पूरे डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है, एक एक सिलेबस के एक एक चैप्टर के बारे में, तो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, यहाँ आपको सैनिक स्कूल की पूरी डिटेल आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए अब हम बात करेंगे आपसे सैनिक स्कूल के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूँ कि इसमें जो मैथ का सेक्शन है, मैथ में दोस्तों कुल मिला करके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक एक क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स के होते हैं, यानी कि कुल मिला करके 150 नंबर। अगला है जीके सेक्शन का, तो जीके में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, यानी कि कुल मिला करके 50 नंबर। अगला है लैंग्वेज का, लैंग्वेज में भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, यानी कि कुल मिला करके 50 क्वेश्चन। अगला है इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंस में भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी हर प्रश्न में 2 नंबर आपको दिए जाते हैं और इसमें भी कुल मिला करके 50 नंबर टोटल होते हैं। अब मैं आपसे इसके थोड़े बहुत सिलेबस के बारे में बात करूँगा। दोस्तों मैं आपको सिलेबस पूरी पूरी जानकारी तो नहीं दे सकता, अगर आपको पूरे डिटेल में जानना है तो फिर आप नीचे दे लिंक से आप इस वेबसाइट पर आके पूरी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको जितना हो सके बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूँ मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में दोस्तों आपका है नंबर सिस्टम है, बॉड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेंसुरेशन। दोस्तों मैथ में जो जितने भी चैप्टर होते हैं वो दोस्तों नॉर्मल वही चैप्टर होते हैं जो कि आपका 7th और 8th क्लास के जो मैथ बुक में होते हैं, यानी कि ये सैनिक स्कूल का सिलेबस होता है वो आपका नॉर्मल स्कूल से 1 क्लास आगे का होता है और इसमें जो प्रश्न होते हैं ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। अगर आप नॉर्मल पढ़ाई भी करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आगे है टाइम्स एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टर्न, ATC। दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको मैथ में पढ़ने होते हैं। आगे मैं आपसे बात करूंगा कि लैंग्वेज में बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं, जैसे कंपोजिशन हो गया, जंबल वर्ड है, स्पेलिंग है, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म है, अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव है, वन वर्ड आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल्स है, सेंटेंस टाइप है जैसे कि इंट्रोगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंग्लिश ग्रामर है, वोकेबलरी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आइडम्स है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, होमोनिम्स है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, लेटर राइटिंग। इंग्लिश में आपको इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ने होते हैं। तो अगर आप इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन सी किताब से इन सब चीज़ों के पढ़ाई करूं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इसके लिए एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा जहां मैं आपको बता दूंगा कि आपको सैनिक स्कूल के तैयारी करने के लिए कौन सी किताब से पढ़ाई करना सही होता है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर एक बार चेक करें। अगला है सैनिक स्कूल सिलेबस का जो जनरल नॉलेज का सेक्शन होता है, इसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि स्टेट्स ऑफ इंडिया है, फर्स्ट इन इंडिया, इंडियन इम्पोर्टेंट डेट्स हो गया, डांस ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट टाउन्स और रिवर हो गया, कंट्रीज कैपिटल्स एंड करेंसीज, इन्वेंशन एंड इन्वेंटर, सम हिस्टोरिकल इवेंट लैंडमार्क, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर, जनरल साइंस, इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, प्लांट एंड एनिमल, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बॉडी, फूड, रॉक्स एंड मिनरल्स,
इन्वायरमेंट है, सोलर सिस्टम, ओशियन, मोशन ऑफ अर्थ, फ्रीडम फाइटर्स, इस तरह के बहुत से टॉपिक्स आपको हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं। और कुछ कुछ मैं आपको यहाँ पर इंटेलिजेंस का भी बता दे रहा हूँ कि आपको इंटेलिजेंस में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने होते हैं। इसमें कुछ चैप्टर है जैसे कि क्लासिफिकेशन हो गया, एनोलॉजी हो गया, सीरियस कंप्लीशन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड है। तो ये कुछ टॉपिक्स के मैंने आपको बताया इस सब के बारे में जो कि आपको सैनिक स्कूल का तैयारी करते हैं, तो आपको इन सब टॉपिक्स को पढ़ना होगा। अगर आपके मन में एक दो और सवाल है जैसे कि सैनिक स्कूल का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, सैनिक स्कूल का इंटरव्यू कैसे होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको सैनिक स्कूल से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। जो भी आपके मन में जो भी प्रश्न है, आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो एक बार नीचे दिए गए लिंक को ज़रूर चेक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।